आज हम बनाएंगे फ्रेश चना फ्राई। देखिए कैसे बनेगा आज चना फ्राई। हमने गैस चालू किया और फ्राई पैन रख दिया उसमें। अब थोड़ी सी ऑयल डालेंगे उसमें। देखिए इस तरह से ऑयल डाल देंगे, थोड़ी देर गर्म करेंगे, गर्म होने तक इंतजार करेंगे उसका। ठीक है, उसके बाद उसमें ग्रीन चिली डालेंगे, हरी मिर्च, थोड़ा इसको भी फ्राई करेंगे। थोड़ी सी अदरक डालेंगे, देख लीजिए कितना डाले हमने। अब इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये फ्राई हो रहा है हमारा, देख लीजिए कैसे फ्राई हो रहा है मस्त। थोड़ा सा ये कांदा, ग्रीन कांदा भी यूज कर सकते हैं आप, और ऐसे भी कांदा यूज कर सकते हैं, अनियन। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे और थोड़ी देर। ये फ्राई होने के बाद देखिए इस तरह से मिला देंगे अच्छी तरीके से। अब हमने बॉईल चना डालेंगे इसमें। देखिए चना को पहले हमने बॉईल कर लिया है, आप भी बॉईल कर लीजिएगा, उसके बाद ही डालिएगा। फिर अच्छी तरीके से मिलाएंगे इसमें। देखिए किस तरह से मिला रहे हैं, ऐसे ही मिलाएंगे अच्छा से। देख लीजिए कैसा हो रहा है, देखिए एकदम मस्त फ्राई हो रहा है एकदम से। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, ठीक है, और थोड़ी सी गरम मसाला, देखिए गरम मसाला डाल देंगे। आप जो मसाला यूज कर सकते हैं वो डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखिए अब कलर आ रही है, एकदम टेस्टी बनेगी चना फ्राई। और हो गया हमारा, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। देखिए नमक डालना है आप जितना बना रहे हैं चना उसके अनुसार, और थोड़ा सा नींबू इसमें निचोड़ देंगे। अब देखिए वाह, बहुत टेस्टी बन रहा है। देखिए फ्राई हो गया अच्छी तरीके से। देखिए 2 मिनट में चना फ्राई हो जाता है, देखिए मस्त चटपटा खा सकते हैं आप। अब इसको निकाल देंगे एक बाउल में। ये देखिए एकदम टेस्टी बन गया है हमारा चना फ्राई। अब इसको निकाल लिए एक बाउल में अच्छी तरीके से। अब उस पर थोड़ा सा डेकोरेशन कर देंगे, थोड़ा सा टमाटो डाल देंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऑनियन, आपको जैसा पसंद है आप ऐसे भी खा सकते हैं और जैसा एकदम बना के भी खा सकते हैं।